हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए बहुत ही छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिज्जा की रेसिपी। तो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वैसे मैं पिज्जा की रेसिपी दो बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, दोनों बार मैंने अलग अलग तरीके से बनाया। आज फिर से मैं पिज्जा बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो गाइस आज हम बनाएंगे पिज्जा, और वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। और आप चाहें तो उसको तवे पर भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ओवन है, तंदूर है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से पिज्जा की रेसिपी हम पिज्जा बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो पिज्जा के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ को इस तरह से काट के रखा है थोड़े बड़े पीसेस में, जैसे टमाटर है और प्याज है, शिमला मिर्च है, तीनों की चीज़ को मैंने काट लिया है। आप साइज देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पिज्ज़ा बेस लिया है, और ये पिज्ज़ा पास्ता सॉस है। पिज्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है बटर, और जो भी सामान चीज़ बटर। सबसे पहले हम बटर को मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बटर को मेल्ट कर लिया, क्योंकि अभी ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बटर को हमने अच्छे से पिघला लिया। अब हमने ये पिज़्ज़ा बेस लेंगे, ये मैंने मार्केट से ही लिया। अगर आप इसको घर में ही बनाना चाहते हैं पिज़्ज़ा बेस को, तो आप मुझे कमेंट करिए, इसको बनाना भी मैं बता दूंगी आपको किस तरह से हम घर में आसानी से पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिस्टर ब्राउन का पिज़्ज़ा बेस लिया है, और अब हम इस पर लगाएंगे सबसे पहले बटर, और यहाँ पर अब हम लगाएंगे यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप मेयोनीज़ सॉस भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस, चिली सॉस, जो भी आपके पास सॉस है वो आप लगा लीजिए। यहाँ पर मैं पूरे बेस पर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को लगा लूँगी। और तीखा होता है, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप करिए। अगर आपको कम तीखा पसंद तो आप इसको थोड़ा सा लगाइए, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है तीखा होता है, लेकिन खाने में बहुत यम्मी सा लगता है। और सेजवान सॉस है, अगर आपके पास सेजवान चटनी है तो आप इसके ऊपर वो भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पर टोमेटो सॉस। मेरा बेटा खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे बेटा की बहुत मन था पिज़्ज़ा खाने का। और यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को थोड़ा सा पका लिया था, पत्ता गोभी को बारीक करके उसके बाद उसको पका लिया था, और उसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर भी डाला था और नमक डाला था बस। और इसको मैंने पत्ता गोभी को अब इसी ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, और हमने जो भी सब्जियाँ काट के रखी हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे। जैसे प्याज है, प्याज के पीसेस आप देख सकते हैं मैंने किस कितने बड़े किए हैं। शिमला मिर्च काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर आप इसको तवे पर बना रहे हैं तो आप सब्जियों को हल्का सा पका लीजिए, उसके बाद आप बनाइए। यहाँ पर मैं ओवन का यूज करूँगी, तो ओवन में ऊपर भी हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी। और अगर आप तवे पर बना रहे हैं तो आप सब्जियों को पहले पका लीजिए पत्ता गोभी के साथ ही, बाद में आप इसको तवे पर रखिए। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाले, टमाटर नहीं डाला तो आप नहीं डालिए, ऊपर से पनीर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पिज़्ज़ा बनके हो गया है रेडी, और कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल। जैसे अगर आपके पास और भी कलर शिमला मिर्च है वो भी डाल सकते हैं, तो और भी सुंदर लगेगा देखने में। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। यहाँ पर मैंने ओवन को गर्म होने के लिए रख दिया, हमारा ओवन गर्म हो रहा है, तब तक हम इसके ऊपर चीज़ को डाल लेते हैं। क्योंकि जब तक हम चीज़ नहीं डालेंगे पिज़्ज़ा में, तब तक तो मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। तो चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चीज़ अगर नहीं है तो आपके पास, तो आप पनीर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है चीज़, इसको हम कद्दूकस करके पूरे पिज़्ज़ा पर फैला लेते हैं अच्छे से। जैसे ही आपको, अगर आपको कम चीज़ पसंद है तो आप कम डालिए, अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए। यहाँ पर हम कद्दूकस कर लेंगे पूरे पिज़्ज़ा बेस पर चीज़ को। वो आपके ऊपर है आपको क्या क्या चीज़ पसंद है सब्जियों में, तो आप इसके ऊपर डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मेरे घर में तो सभी लोगों को बहुत पसंद है, ज़्यादातर मैं घर में ही पिज़्ज़ा बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि घर में जो होता है साफ़ सुथरा रहता है, अच्छे से रहता है, तो मुझे घर में ही बनाना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर बार बार बेटा आ रहा है, मम्मा कितना टाइम लगेगा, मम्मा मतलब दाल चावल नहीं पसंद है, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमने हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, तो चलिए फटाफट से हम इसको ओवन में रखते हैं, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ओवन भी हमारा गर्म हो गया है, और अब हम इसमें इसको रख देते हैं, और बस 5 मिनट के लिए इसको बंद करेंगे, और बस हमारा पिज़्ज़ा बनके हो जाएगा रेडी। तो ये पक रहा है हमारा, और एक बार खोल के दिखाते हैं तो चीज़ मेल्ट होने लगा है, सब्जियां भी पकने लगी हैं, और फटाफट से इसको बंद करते हैं। 2 मिनट बाद इसको निकालेंगे तो हमारा पिज़्ज़ा बनके हो गया है रेडी। देखिए सब्जियां भी पक गई हैं, और चीज़ भी पूरे में अच्छे से फैल गया है। ऊपर से डालेंगे हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स और टोमेटो सॉस।
चिली सॉस, टोमेटो सॉस जो भी डालना है, मेयोनी सॉस भी थोड़ा सा डाल देंगे। मेयोनी सॉस मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद है, मेयोनी सॉस भी डाल देंगे। और उसके बाद हम इसको पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। और हमारा पिज़्ज़ा बन के हो गया है रेडी। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारा पिज़्ज़ा बना है। बहुत ही आसान होता है घर में पिज़्ज़ा बनाना, कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि झंझट झंझट पर कोई झंझट नहीं होता, खाना तो हम डेली बनाते ही है ना, तो पिज़्ज़ा भी बन जाएगा, बस हमारे पास सामान होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया है पिज़्ज़ा बन के रेडी। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो गाइज, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी बनी। मैंने बहुत ही जल्दी बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना, सबको बहुत ही अच्छा लगा खाने में। तो ये हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा बन के हो गया है रेडी। तो गाइज हमारी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई हो। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, एक बार आप इसको जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जल्दी मिलती है आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।